Yes, good morning, students. Myself is Dhanbir Singh. Today, I am present here to teach you English. The name of the book is Footprints Without Feet, and the name of the lesson is A Trump of Surgery, Part 1st. So be ready and open your book. And we start with me. I was really worried about 3P this time. मैं इस बार ट्रिकी के बारे में बहुत ही चिंतित था. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट. मैंने अपनी कार रोकी जब मैंने उसको देखा इन द स्ट्रीट, गली में, विद हिज मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन के साथ में. तो आई हियर इज यूज फॉर डॉक्टर. तो डॉक्टर ने डॉग को, ट्रिकी को देखा उसकी मालकिन के साथ में गली में, तो डॉक्टर ने अपनी कार को रोका. एंड आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं उसकी अपीयरेंस, मतलब जिस तरह का वो दिख रहा था, जिसका दिखावटा था, जिस तरह का, उसको देख करके बड़ा ही शॉक्ड, उसको आघात पहुंचा डॉक्टर को. ही हैड बिकम हिगुली फैट, वह बहुत ही मोटा हो गया था. लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लैग एट ईच कॉर्नर, वह एक ब्लॉटेड होता है, उभरा हुआ सा, फूला हुआ सा सॉसेज लग रहा था, कबाब जैसा लग रहा था. विद अ लैग एट ईच कॉर्नर, जिसके चारों कोनों पे, हर कोने पे टांग लगा दी गई हो, ऐसा लग रहा था. इतना मोटा हो गया था वो डॉग की. हिज आइज ब्लड शॉट, उसकी आँखें लाल थीं, ज्यूमी, बहुत ही नशेली थी. स्टेयर्ड स्ट्रेट, स्टेयर्ड घूर कर सामने देख रहा था. अहेड आगे की ओर. एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, उसकी जीभ जो थी उसके जबड़े से बाहर लटकी हुई थी. मिसेस पम्फ्रे हैस्टन टू एक्सप्लेन, मिसेस पम्फ्रे ने हैस्टन बड़ी तेज़ी से एक्सप्लेन, मैंने बताया. ही वाज सो लिस्टलेस, वो उतना सुस्त रहता है. मिस्टर हैरियट ही सीम टू हैव नो एनर्जी, लगता है उसमें बिल्कुल ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मलन्यूट्रीशन, मुझे लगा कि वह शायद मलन्यूट्रीशन का शिकार है, इसका मतलब कुपोषण का शिकार है. मिसेस पम्फ्रे बताती हैं डॉक्टर, हम डॉक्टर के लिए. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसलिए मैं उसको कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा दे रही हूँ खाने के लिए, उसके मील्स के बीच में भी, टू बिल्ड हिम अप, उसको बिल्ड अप करने के लिए. एंड सम माल्ट, कुछ माल्ट दे रही हूँ. एंड कॉड लीवर ऑयल, कुछ कॉड लीवर ऑयल दे रही हूँ. एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरा हॉर्लिक्स दे रही हूँ एट नाइट, रात को, टू मेक हिम स्लीप, उसको सुलाने के लिए. नथिंग मच रियली, और वास्तव में कुछ ज़्यादा नहीं है, यानी इतना कुछ देने के बाद भी मिस पम्फ्रे कहती हैं कि ज़्यादा नहीं है. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट्स थिंग्स एज आई टोल्ड यू, अब डॉक्टर ने पूछा क्या जो मीठी चीज़ें मैंने आपसे मना किया था देने के लिए, वो उनमें कुछ कट डाउन किया, कमी की. ओ आई डिड फॉर अ बिट, अरे मैंने थोड़ा सा किया. बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन वो इतना कमज़ोर दिखाई दिया. आई हैड टू रिलेंट, मुझको ढील देने पड़ी. ही डज लव क्रीम केक्स, उसको क्रीम केक बहुत प्यारी हैं. एंड चॉकलेट, सो, और चॉकलेट भी इतनी प्यारी हैं. आई कॉन्ट बियर्स टू रिफ्यूज हिम, मैं उससे मना नहीं कर सकती. नीमक जो मालकिन थी, मिस्ट्रेस थी कुत्ते की, वह इतनी प्यार करती थी अपने डॉग के लिए कि बस उससे कुछ चीज़ खाने के लिए मना नहीं कर सकती थी. आई लुकड डाउन अगेन एट हिज एट द लिटिल डॉग, डॉक्टर ने कहा कि मैंने फिर से उस छोटे डॉग को देखा. दैट वॉज द ट्रबल, यह परेशानी थी, यही तो परेशानी थी. ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की एकमात्र गलती जो थी वो उसका लालच था, ग्रीड था. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वह कभी भी फूड से मना नहीं कर सकता था खाने से. ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर, वो किसी भी घंटे खाना खा सकता था.
ऑफ द डे और नाइट, चाहे दिन हो चाहे रात हो, किसी भी समय। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैडंट मेंशन्ड, और मैंने उन सारी चीज़ों के बारे में सोचा जो मिसेस पम्फ्रे ने मुझको बताई नहीं थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसको पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज दे रही हो? वेल, ठीक है, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, वह मेरे साथ थोड़ा टहलता है जैसा कि आप देख सकते हो। बट हॉजकिन द गार्डनर, लेकिन जो गार्डनर है हॉजकिन, हैज़ बीन ड्रॉन विद लंबागो, उसको लंबागो हो गया है, एक बीमारी होती है लंबागो। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए हाल में ही उस रिंग थ्रोइंग हाल में नहीं हुई है। इस प्रकार से सर्जरी ऑफ ट्रम्प ऑफ सर्जरी ही लेसन, ट्रम्प होता है जीत, सर्जरी चिकित्सा, चिकित्सा की जीत, सर्जरी की जीत। यहाँ पर जो डॉग है वो बहुत ही ह्यूगली फैट हो गया है, बहुत खा खा करके, उसकी मिस्ट्रेस मालकिन उसको बहुत प्यार करती है, बहुत खिलाती रहती है हर समय, तो ज़्यादा लाड़ प्यार में वह बहुत मोटा हो गया है और उसको प्लेंटी अमाउंट में एक्सरसाइज नहीं मिल पाती है जो कि बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसका शरीर बहुत ही सुस्त सा हो गया है, लिस्टलेस हो गया है वो, तो इसलिए वो उसकी मालकिन डॉक्टर के पास आती है और डॉक्टर ने उसको उसके बारे में पूछा, ये सब चीज़ें पूछी कि आपने उसके खाने पीने में कुछ कटौती की, क्या मीठी चीज़ें देने में कुछ कमी की, ये सारी बातें जानकारी ली। तो डॉक्टर सोचने लगा बहुत सारी और चीज़ों के बारे में भी जो उसने मिसेस पम्फ्रे ने डॉक्टर को बताई नहीं थी। फिर डॉक्टर ने एक्सरसाइज के बारे में पूछा कि आप उसको पर्याप्त मात्रा में प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज करा रहे हो नहीं करा रहे हो, तो उसकी मालकिन, कुत्ते की मालकिन ने कहा कि एक्सरसाइज नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि उनका जो गार्डनर है उसको बीमारी हो गई है लंबागो की। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए हाल में ही कोई रिंग थ्रोइंग नहीं हो पाई है। आई ट्राइड टू साउंड सेवर, मैंने कुछ कठोर दिखने की कोशिश की। आई हेयर यूज टू डॉक्टर, नाउ आई रियली मीन दिस, अब मेरा वास्तव में ये मतलब है, इफ यू डोंट कट हिज फूड, अगर उसके फूड में आप कटौती नहीं करते हो, राइट डाउन बिल्कुल अभी, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और अधिक एक्सरसाइज को नहीं देते हो, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वो वास्तव में ही बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपना हृदय कठोर करना होगा, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना होगा। मिसेस पम्फ्रे रंग हिज हर हैंड्स, मिसेस पम्फ्रे ने अपने हाथ नीचे कर लिए, लटका लिए। ओ आई विल, अरे मैं करूँगी, मिसेस हैरियट, मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे भरोसा है कि आप सही कह रहे हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ही कठिन है, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन है। सी सेट ऑफ, वह चल पड़ी, हेड डाउन से नीचा करके, अलॉन्ग द रोड, रोड के किनारे किनारे, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली, जैसे कि मानो, एज इफ मीन्स ऐसे कि मानो डिटरमाइंड उसने निश्चय कर लिया हो, टू पुट द न्यू रिजाइम, कि वो नई जो रिजाइम है, नुस्खा है, उसको प्रैक्टिस में लाएगी जल्दी ही। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस, मैंने उनको जाते हुए देखा, विद ग्रोइंग कंसर्न, बढ़ती हुई चिंता के साथ में। ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोड, ट्रिकी
अपने छोटे से उस कोर्ट में टॉटरिंग लड़खड़ाते हुए चल रहा था। ही हैड अ होल वार्ड्रोब ऑफ दीज कोर्ट्स, उसके पास में पूरा वार्ड्रोब था, इस प्रकार के कोर्टों का एक बहुत बड़ा समूह था। और द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के लिए एंड अ रेन कोट, और द बैड डेज, और रेन कोट भी था उसके लिए, बैड डेज बरसात के दिनों के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, वह अपनी हार्नेस में बहुत ही संघर्ष कर रहा था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिस कंपरे, मैंने सोचा था इट वुड नॉट बी लॉन्ग, लंबा समय नहीं होगा, बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिस पंपरे, कि मिसेस पंपरे के बारे में सुनने के लिए ज़्यादा समय नहीं बीतेगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों में वो वांछित कॉल आ ही गई जिसकी उम्मीद थी। मिसेस पंपरे वाज डिस्ट्रॉट, मिसेस पंपरे बहुत चिंतित थी, डिस्ट्रॉट मीन्स चिंतित, वरीड। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, वो कह रही थी कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, अब उसने अपनी फेवरेट डिशेज भी रिफ्यूज़ कर दी हैं, कुछ भी नहीं खा रहा है। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बहुत सारी वॉमिटिंग कर रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, वह सोफे पर दरी पर लेटा रहता है, पड़ा रहता है, पेंटिंग हाँपता रहता है। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, और ना ही टहलने जाना चाहता है। Didn't want to do anything, नहीं कुछ करना चाहता है। I had made my plans in advance, मैंने अपनी योजना एडवांस में बना ली थी। The only way was to get Ricky out of the house for a period, ये एकमात्र तरीका था Ricky को घर से बाहर निकालने के लिए, for a period, कुछ समय के लिए। इन्हीं डॉक्टर ने तरकीब सोच ली थी किस प्रकार से उस कुत्ते को उसके घर से बाहर निकालना है। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, कि उसको लगभग एक फोर्टनाइट के लिए, एक पखवाड़े के लिए हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए। 14 दिन का एक फोर्टनाइट होता है, तो एक फोर्टनाइट के लिए उसको लगभग हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए, हॉस्पिटल में भर्ती करने का सुझाव दिया डॉक्टर ने। टू बी कैप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि उसको ऑब्जर्वेशन में, अपने निगरानी में रखा जा सके, उस पर हर समय निगरानी होती रहे, उसको देखा जा सके, इसलिए इसको हॉस्पिटलाइज कर दीजिए, हॉस्पिटल में भर्ती कर दीजिए, ऐसा डॉक्टर ने उसकी मालकिन से कहा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वॉन, और बेचारी महिला लगभग मूर्छित ही हो गई थी, मतलब उस बहुत उसको कठिन लगा ये सुन करके। सिवा श्योर, उसको भरोसा था, ही वुड पाइन, वे बहुत ही परेशान होगा। एंड डाई इफ ही हैड नॉट सी हर एवरी डे, अगर, और मर भी जाएगा अगर उसने उसको हर दिन नहीं देखा। यानी मिसेस पंपरे को वो कुत्ता, वो डॉग ट्रिकी बहुत ही प्यार करता था, वह उसके बिना जीवित भी नहीं रह सकता था। ऐसी मिसेस पंपरे, उसकी मालकिन को ये उम्मीद थी। बट आई टू का फिर्म लाइन, लेकिन मैंने एक कड़ी लाइन खींच दी, ट्रिकी वाज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वाज द ओनली वे, और यही मात्र तरीका था टू सेव हम उसको बचाने का। इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, मैंने सोचा कि यही उसके लिए बेस्ट होगा बिना किसी देरी के। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आपको इसमें से कुछ बैड मीनिंग चूज़ करने हैं जो आपको हार्ड लगते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गिविंग टू यू सम बैड मीनिंग्स ऑफ दिस लेसन विच आई टॉट यू। योगली, HUGLY, hugely means very much, बहुत अधिक। Blotted, blotted means distorted, फूला हुआ। Sausage, 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 sausage means a mixture of meat cut into very small pieces।
इट मीन्स कबाब, ब्लड सॉर्ट, ब्लड सॉर्ट मीन्स फुल ऑफ रेड लाइन्स, ये खूनी, पोल्ड अप, पोल्ड अप मीन्स रुकना, र्यूमी, आर ई यू एम आई, र्यूमी, र्यूमी मीन्स वाटरी, पानी युक्त, एल ओ डबल एल ई डी, लॉल्ड, लॉल्ड मीन्स स्टैंड और लाई इन अ लेजी वे। नेक्स्ट हैस्टैंड, हैस्टैंड मीन्स टू बी क्विक टू डू, जल्दी से, लिस्टलेस, टायर्ड, थका हुआ, मलन्यूट्रिशन, कुपोषण, बिल्डअप टू कंस्ट्रक्ट, सेहत बनाने के लिए, रिलेंट, नरम पड़ना। थैंक्स।